हाय देश जो कहना टुटे जा टॉक्स देसी मार्टिनियन बात करते हैं मलंग के बारे में विच इज एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ सरप्राइज डिसेंट सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म जब रिलीज हो रही थी तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें फिल्म के साथ नहीं थी क्योंकि जो प्रोमो है वो काफ़ी नीच था, एक यूथ के लिए तो बना था बट देन वहाँ पर भी ऐसे लग रहा था कि रिस्ट्रिक्टेड सेगमेंट में ही काम करेगा। बट देन उसके बाद जब फिल्म आई तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट प्लेजेंटली सरप्राइज ऑन द डे वन इटसेल्फ। 4 से 5 करोड़ की ओपनिंग सोची थी, 6 करोड़ फिल्म के क्रॉस हो गए पहले ही दिन। उसके बाद जो वीकेंड है वो भी अच्छा ही रहा, 25 करोड़ पार हो गए थे। बट देन उसके बाद मेन बात ये थी कि फिल्म वीकडेज पर कितनी टिकी रहती है, दिस इज वेयर इट एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि वीकडेज पर भी फिल्म जो है वो एक्चुअली नंबर्स लाती रही, 3 से 4 करोड़ के बीच में फिल्म के आते ही रहे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो ओवरऑल फर्स्ट वीक है वो 40 करोड़ के अराउंड पहुंच गया, नाउ दैट्स डिसेंट इनफ, क्योंकि आदित्य रॉय कपूर की पीछे जो कुछ फिल्में हैं वो बिल्कुल भी नहीं चली थी। दिशा पता नहीं, ऑफकोर्स बागी 2 जैसी एक ब्लॉकबस्टर में वो जरूर दिखाई दी थी, बट दिस वन वॉज एक्चुअली हर फिल्म एज अ लीडिंग लेडी। एंड देन अनिल कपूर ऑफकोर्स इज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स, बट देखना ही था कि जो ओवरऑल पैकेज है ये बॉक्स ऑफिस पर कितना काम करता है। फॉर डायरेक्टर मोहित सूरी दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी अ फेयर सक्सेस ऑलरेडी, क्योंकि हमारी अधूरी कहानी बिल्कुल भी नहीं चली थी। हाफ गर्लफ्रेंड का बिजनेस ओवरऑल 60 करोड़ के अराउंड रहा था और ऐसा लग रहा है कि मलंग उतना बिजनेस कर ही लेगी, विच मीन्स ओवरऑल इट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ प्लस अफेयर। जो दूसरी रिलीज आई थी वो थी शिकारा। अनफॉर्चुनेटली द फिल्म हैजन डन वेल एट ऑल। पहला दिन है फिल्म का वो सरप्राइजिंग जरूर था क्योंकि 1 करोड़ क्रॉस हो गए थे, लगा ऐसे रहा था कि 40 से 50 लाख शायद फिल्म के आएंगे। बट देन उसके बाद सैटरडे को जंप आया, संडे फिल्म फ्लैट रही, बट देन मंडे ऑनवर्ड्स फिल्म की जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गिरने लगी, जिस वजह से जो ओवरऑल वीक वन है वो सिर्फ 6.5-7 करोड़ की रेंज में आया ना। अगर फर्स्ट वीक 10 करोड़ के अराउंड आ जाता तो शायद जो फिल्म का लाइफ टाइम है वो 12 से 15 करोड़ की रेंज में चले जाता, बट राइट नाउ तो फिल्म का 10 करोड़ लाइफ टाइम भी नहीं रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट विल क्लोज अराउंड 8-9 करोड़ मार्क, विच विल बी वे टू लो। ऑफकोर्स छोटी फिल्म है, बहुत बड़ा फिल्म का बजट नहीं है, जो स्टार कास्ट है वो नहीं है, बट देन फिल्म के डायरेक्टर बड़े हैं, विधु विनोद चोपड़ा है, तो उम्मीद करी जा रही थी कि शायद फिल्म कुछ हद तक तो टिकी रहेगी। डिजिटल से फिल्म का जो ओवरऑल बजट है वो डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा, बट देन थिएट्रिकल में क्योंकि डे वन फिल्म का ठीक ठाक लग गया था तो एक उम्मीदें बन गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉन्ट बी रनिंग फॉर लॉन्ग। सो ओवरऑल थिएट्रिकली इट विल टर्न आउट टू बी अ फ्लॉप, बट देन ओवरऑल फ्रॉम द कॉस्ट रिकवरी परस्पेक्टिव इट विल स्टिल टर्न आउट टू बी अ प्लस अफेयर। So stay with me and I'll be back with you soon enough to share with you my review and also the box office outcome of the biggest romantic release of the year so far, Love Aajkal. Valentine's Day pe aa rahi hai, umeedein kaafi bani hai, dekhte hain ki film kaisi ban pati hai. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks, Desi Martini.